पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की बठिंडा जेल से आज कोर्ट में पेशी हुई चंडीगढ़ के। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने अब से कुछ साल पहले यानी 2019 में जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर के जेल में बंद हुआ करता था तो उसने एक हत्याकांड करवाया था चंडीगढ़ में, और उस वक्त सोनू शाह नाम का जो प्रॉपर्टी डीलर था उसकी हत्या हुई थी। और उसकी हत्या करने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी भी ली थी कि सोनू शाह जो हमसे आगे चल रहा था, हमने उसकी हत्या करवाई है। तो उसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा तोल पकड़ा था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाशों को उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इतने साल बीत जाने के बाद भी इन मामलों में अभी भी पंजाब की पुलिस उसे पेशी पर लेकर जाती है और सुनवाइयाँ होती रहती हैं। तो बताएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको सोनू शाह हत्याकांड के बारे में एक एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं यही है वो सोनू शाह जिसकी चंडीगढ़ के बुड़ैल के सेक्टर 45 में एक ऑफिस में घुसकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी थी। दरअसल उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद हुआ करता था, और कहा जाता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर जेल में कैद था तो वहां से बैठकर वो पंजाब के अंदर एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिलवाता था, और ना सिर्फ अंजाम दिलवाता था बल्कि सोशल मीडिया पर उसके जो गैंग के चाहने वाले लोग हैं उनके ज़रिए वो बाकायदा जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे लिया करता था। तो सोनू शाह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन जब संपत नेहरा और उसके साथी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जब सोनू शाह को मारने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर देखा गया था कि दो दोस्त सोनू शाह के और थे, एक का नाम था जोगिंदर और दूसरे का नाम था रोमी। ये दोनों वहाँ पर किसी भी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे, लेकिन उस वक्त जो इन्होंने जिसकी पहचान की थी दरअसल उसमें एक मोंटी शाह नाम का व्यक्ति था, और मोंटी शाह के बारे में बताया गया था कि मोंटी शाह ही वो व्यक्ति है जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होकर सोनू शाह की हत्या करवाई थी। और इसमें सबसे अजीब बात पुलिस के सामने ये आई कि मोंटी शाह सोनू शाह का चचेरा भाई था, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उसका नाम सामने आया और तब निकल कर सामने आया कि मोंटी शाह उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही राजस्थान के भरतपुर की जेल में सजा काट रहा था, और वो दरअसल सोनू की जगह लेना चाहता था, और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई से उसने पहले दोस्ती की, और जब उसकी दोस्ती हो गई तो उसने अपने उसके प्लान के बारे में बताया। हालांकि देखा जाता है कि पंजाब के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो वर्चस्व है वो आज के मौजूदा वक्त में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब से ये बातें और भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई पहले जब राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद था तो कहा जाता है कि भरतपुर जेल में बैठकर उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया, ना सिर्फ वारदातों को अंजाम दिया बल्कि पंजाब के एक एक से टॉप के गैंगस्टर जो थे उनको उसने मरवाया। चाहे उसमें हम गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना की बात करें जिसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने जिम के बाहर मलुट के जब बहुत ही निर्मम तरीके से करीब 20 से 25 गोलियां मरवाई थी, उसकी तस्वीर आज भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना भी अपनी एक जैगुआर कार से वहाँ पर जिम करके निकल रहा था। एक रसूखदार परिवार का लड़का था गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना, लेकिन शुरुआत में जब उसके कई और लोगों से ताल्लुकात हो गए थे जो अपराध की दुनिया में थे तो वो आपराधिक दुनिया में आ गया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी भी हत्या करवाई थी, और उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल थे। तो ऐसे ही सोनू शाह अपने एरिया का जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके हत्या के बाद तो मालूम चला कि सोनू शाह को लेकर भी कहा गया कि कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर चल रहा था, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जिस काम को मना कर रहा था वो वही काम कर रहा था, और इससे लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी चुनौती के रूप में ले लिया था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सोनू शाह का जो भाई था चचेरा भाई मोंटी शाह वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर सोनू शाह की हत्या करवा के उसकी जगह पर कब्जा करना चाहता था ताकि जो रंगदारी की रकम आती है या सोनू शाह से जितने लोग डरते हैं उससे डरा करें। हालांकि इस पूरे मामले में
कई साल तक केस चला और बाद में मोंटे शाह की भी गिरफ्तारी हुई। और आज के तारीख में जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के बठिंडा की जेल में कैद है और इस केस में आज भी कोर्ट में पेशी थी, लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की पुलिस लेकर गई थी, कोर्ट में पेशी उसकी हुई और एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस भी पिछले कई दिनों से, यानी हम देख रहे हैं अगर 15 से 20 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई को वापस से दिल्ली लाना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में भी कई केस अभी पेंडिंग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रोडक्शन वारंट जो दिल्ली पुलिस को मिलता है, पंजाब के बठिंडा में जेल में जाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन ये कहकर मना कर दिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पहुंचाने के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्स लगेंगे उनकी कमी है और जब लॉरेंस बिश्नोई के साथ जितनी सिक्योरिटी मौजूदा वक्त में होती है अगर वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है तो हम नहीं भेज सकते। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-3 बार हो चुका है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई अभी दिल्ली नहीं आ पा रहा है। वैसे आप सभी को पता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तभी वहाँ पर बैठकर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी और उसके बाद जो पंजाब गया है, पंजाब से फिर दिल्ली आया था एक बार और फिर उसे गुजरात एक केस में ले जाया गया था, लेकिन गुजरात से वापस जब वो दिल्ली के मंडोली जेल में रखा गया था तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये कहकर मना कर दिया था कि हम लॉरेंस बिश्नोई को नहीं रख सकते क्योंकि तिहाड़ जेल में उस समय गैंग वॉर की स्थिति चल रही थी, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी और इन्हीं सब बातों को लेकर कि लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के बदमाश इसे तिहाड़ जेल में बंद है, तो ये कहकर तिहाड़ जेल ने उसे वापस से पंजाब के बठिंडा जेल पहुंचा दिया था। बहरहाल अब देखना अहम होगा कि इस पूरे केस में क्या कुछ निकल कर अपडेट सामने आता है। वैसे आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।